और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दाल मेथी की पकौड़ी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी दाल, जिसको कि मैंने 4-5 बार पानी से धो के और इसको रात भर मैंने पानी में फूलने के लिए रख दिया था। फूलने के बाद ये दाल कुछ इस तरह की हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं दाना दाना इसका फूल चुका है। अब हम इसका सारा पानी निकालने के बाद इसको मिक्सी कर लेंगे और बारीक पेस्ट बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसका एक बारीक पेस्ट बना लिया है और गाढ़ा भी है, इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है हमें। और इसके अलावा हमें चाहिए मेथी के पत्ते, जिसको लेने के लिए हम चलते हैं अपने किचन गार्डन में। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे और मुलायम मेथी के पत्ते लगे हुए हैं, इसको हम काट लेंगे। इस तरीके से मेथी को लाने के बाद अब हम इसकी डंडियों को अलग कर लेंगे और पत्तों को अलग कर लेंगे। इस तरीके से सारे पत्ते निकालने के बाद इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसको मैंने कट कर लिया है। और दाल को लेकर इसको लगातार हम 3-4 मिनट तक चलाएंगे ताकि दाल हमारी थोड़ी हल्की हो जाए। इस तरीके से अच्छे से इसको फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डाल लें, नहीं तो कोई तो इसको ना डालें। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चुटकी हींग, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, 1/7 इसमें डाल देंगे मेथी के पत्ते और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब एक पैन में रिफाइंड को गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें चम्मच की सहायता से पकौड़ी को डालना शुरू करेंगे। अब गैस को कर देंगे हल्का और इसको हल्की आंच में ही हम सिकने देंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब हम इसको पलटना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं घी में जाने के बाद ये फूलने लगी है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये और खाने में तो टेस्टी होती ही है। अब दूसरी साइड से सेकने के बाद इसको बार बार हम पलटेंगे और खूब करारी करके इसको सेक लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है और ये सिकने लगे हैं। गैस को कर देंगे बंद और इसको अब हम निकाल लेंगे